क्लास 9 के चैप्टर 3 का जो एग्जांपल 3 है उसमें हमसे बोला गया है लोकेट द पॉइंट्स 5,0, 0,5, 2,5, 5,2 और -3,5, -3,-5, 5,-3 एंड 6,1 इन द कार्टेशियन प्लेन। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर गिवन हैं, इन सब को जो है हमें कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना है। अब देखिए, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि हर वो प्लेन जहाँ पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाते हैं उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहा जाता है, ठीक है। तो हमें जो है इन सारे पॉइंट्स को उस कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों एक्सिस को बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें इन्हें लोकेट करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होती है। तो ये ऊपर वाला वाई होता है, नीचे वाला वाई डैश होता है। जहाँ पर ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं वो ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसको हम ओ से दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, बेहतर तब रहेगा जब हम इस ग्राफ को जो है ग्राफ कॉपी पर दिखाएंगे। बाकी मैं इसको यहाँ पर इसको इसी सिंपल पेपर पर जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, हम सबसे पहले जब भी हमें कुछ पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर जो है लोकेट करना होगा, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बना लेंगे और वाई एक्सिस बना लेंगे। उसके बाद जो हमें नंबर्स गिवन है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, उनके हिसाब से हम यहाँ पर नंबर्स को जो है लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इन नंबर्स को लिख लेंगे। आपको मालूम है कि जो ओ एक्स एक्सिस होती है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सब चीज़ों का खुलासा कर दिया है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होती है, निगेटिव क्या होती है, ठीक है। तो आप जो है अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो उसको पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इस कार्टेशियन प्लेन पर इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर दिखाएंगे, तो पहले हम यहाँ पर अपने हिसाब से नंबर्स लिख लेंगे और जितने नंबर्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 लिख लेंगे, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। इसी तरीके से जो निगेटिव एक्स एक्सिस रहेगी, यानी कि एक्स डैश ओ रहेगा, इस पर निगेटिव नंबर चलेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर जो है पॉजिटिव नंबर चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे -1, -2, -3, -4, -5 और -6। जितने भी नंबर्स की हमें ज़रूरत हो हम उतने ही नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। ये नहीं कि हमें 6 तक ही लेना है या 5 तक ही लेना है, जितने की हमें ज़रूरत होगी हम उतना यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। मगर ये जो है ये गैप इक्वल रहना चाहिए सब में। अब देखिए, आपको ये मालूम है कि कोई भी अगर पॉइंट होता है, कोई भी मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लगाया, तो उस पॉइंट का एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं, इन पॉइंट्स को हमें इस पर लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम जो पहला पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहाँ पर दिखाते हैं। तो पहला वाला क्या है, 5,0। तो देखिए, जब इनको लोकेट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पहला वाला है वो क्या है। पहला वाला क्या है, 5 है, ठीक है। तो पहला वाला होता है x। अगर पहला वाला प्लस है तो हम उसको दिखाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और अगर पहला वाला होगा माइनस तो हम उसे दिखाएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। इसी तरीके से दूसरा वाला जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसे ऊपर को दिखाएंगे, और अगर वो नेगेटिव है तो नीचे को दिखाएंगे। तो जो 5,0 है, तो जो पहला वाला होता है वो एक्स होता है, एक्स क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं और 5 तक चले जाएंगे, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला होता है वाई, और वाई जो है
वाई जो है हम ये देखेंगे प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वाई की, तो वाई यहाँ पर जीरो है, तो जब जीरो है तो ना तो ऊपर को जाएगा और ना ही नीचे को जाएगा, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे और यहीं पर इसको पॉइंट को दिखा देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए लेना चाहूँ तो यहाँ पर इसको ए से शो कर सकता हूँ, या इस पॉइंट को भी यानी कि 5,0 भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक। अब अगर हम दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर आते हैं, तो जो पहला वाला होता है वो एक्स होता है, एक्स क्या है यहाँ पर जीरो, तो जब जीरो है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहीं पर रुके रहेंगे क्योंकि ये जीरो है, ना तो इधर को जाएंगे हम ना ही इधर को जाएंगे। दूसरा वाला क्या है, वाई, वाई कितना है फाइव, वाई क्या, वाई कितना है यहाँ पर प्लस के फाइव, तो प्लस का है तो यहीं से ऊपर को चले जाएंगे, ठीक है। अगर माइनस का होता तो नीचे को जाते, तो यहीं से कहाँ पे चले जाएंगे ऊपर को, यहाँ पर ये पॉइंट हम अगर बी मान लेते हैं तो यहाँ पर आप बी दिखा सकते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है, तो उसमें पहला वाला क्या होता है, पहला वाला होता है एक्स, एक्स क्या है प्लस का टू, जब प्लस का होगा तो इधर को चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद जो है दूसरा वाला क्या होता है वाई, वाई क्या है प्लस का फाइव, तो हम यहीं से ऊपर को चले जाएंगे, अगर माइनस का होता तो यहीं से नीचे को जाते, तो ये कितना हो गया सी, तो इसको आप सी दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चौथे वाले की बात करते हैं, तो पहला वाला कितना होता है, पहला वाला होता है एक्स, एक्स क्या है प्लस फाइव, तो जब प्लस है तो इधर को ही जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे, दूसरा वाला क्या है टू, प्लस का टू, तो जब प्लस का है यानी कि वाई होता है दूसरा वाला, प्लस का है तो कहाँ को जाएंगे यहीं से ऊपर को चले जाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया डी पॉइंट, अगर हम इसको डी ले लेते हैं, तो अब -3,5 को जब दिखाएंगे तो पहला वाला क्या होता है एक्स, एक्स क्या है -3, अगर एक्स जो है माइनस का है तो यहीं से इधर को चलेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं -3 पर, दूसरा वाला क्या है प्लस फाइव, तो जब प्लस फाइव है तो यहीं से कहाँ को जाएंगे ऊपर को जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप अगर इसको ई पॉइंट ले लेते हैं तो इसको ई से दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड लास्ट पे पहुँचते हैं, नहीं अभी ये बच गया सिक्स, अगर हम सिक्स पर आते हैं तो पहला वाला क्या है -3, तो -3 की अगर हम बात करते हैं तो पहला वाला होता है एक्स, एक्स क्या है माइनस का, तो इधर को आ जाएंगे, दूसरा वाला क्या होता है वाई, वाई क्या है माइनस के फाइव, तो अगर वाई माइनस का है तो नीचे को जाएंगे वरना तो ऊपर को जाते, तो नीचे को जाएंगे अब क्योंकि माइनस का ही है, तो यहाँ पर जो फाइव है इसके नीचे जो है यहाँ पर इसको शो कर देंगे, ये अगर आपने एफ माना है तो यहाँ पर आ जाएगा ये एफ पॉइंट, ठीक। अब जो सेवन्थ है उसमें है पहला प्लस के फाइव, तो आपको पता है पॉजिटिव है तो यहाँ पर जाएगा, और ये -3 है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक। अब इसको आप जी मान सकते हैं और ये एच ले सकते हैं, तो एच पॉइंट को जब दिखाएंगे तो पहला वाला एक्स है, सिक्स है, सिक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, और y कितना है प्लस के वन, तो ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये h पॉइंट आ चुका है, ठीक। तो ये जो है कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट हो चुका है, ये इसका आंसर है।